सब्सक्राइब करें एडिस फैशन को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं बेल्ट वाली ब्लाउज, तो ये फोटक्स में बनेगी। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने इसका पेपर कटिंग बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको कपड़े पे इसको किस तरह से रख के कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं ये मैं बताऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा हुआ लिया हुआ है और उसको इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी और देख लेना है हमें कि हमें कितनी चाहिए कपड़ा। तो ये थोड़ा ज़्यादा है मेरा कपड़ा, इसका फोल्डिंग में थोड़ा कम करूँगी। अब बैक वाला पार्ट हम उठाएंगे, उसको इस तरह से रखेंगे, गली वाली साइड हम बंद बाजू में रखेंगे। ये रखने के बाद में जैसा हमारा पेपर कटिंग है वैसे ही हम निशान बनाएंगे। तो ये मैंने निशान बनाया हुआ है, ये बैक का था। अब फ्रंट का इस तरह से लेंगे। तो देखिए, बैक में हमने कहीं भी मार्जिन नहीं लिया है, यहाँ पे हमें गले की साइड में थोड़ी सी मार्जिन लेनी है। जितनी आप सिलाई में दबाते होंगे उतनी मार्जिन हमें एक्स्ट्रा लेनी है और इस तरह से हम निशान बना लेंगे। नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस हमें गले की साइड में थोड़ी सी मार्जिन एक्स्ट्रा लेनी है। जो हम पट्टियाँ अटैच करेंगे हुक और आई की, उसके लिए ये मार्जिन ली जाती है। तो देखिए, ये सबसे पहले हम सीधा करेंगे ताकि हम गले का जब माप डालेंगे तो हमें समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो गला है हमारा उसकी चौड़ाई यहाँ पे लगाएंगे, जो 2.5 इंच पे लगाऊंगी मैं। उसके बाद में उसकी लंबाई में 9.5 इंच पे रखूंगी और यहाँ से मैं 2.5 इंच एक निशान लगाऊंगी और एक निशान 3 इंच पे लगाऊंगी। तो देखिए, अगर आपको नॉर्मल गला पहनना है तो आप 2.5 इंच पे ही शेप दीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा चौड़ा गला चाहिए तो आप 3 इंच की शेप पे गला दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2.5 इंच पे मैंने इस तरह से शेप देने वाली हूँ मैं। इस तरह से ये 2.5 इंच पे हो गया, अब उसके ही बाजू में ये 3 इंच पे हो गया। तो आपको जो पसंद आए आप उसमें कट कर लीजिए। अब देखिए, आगे का गला मैं यहाँ पे डालूंगी तो मार्जिन हम छोड़ देंगे यहाँ पे। उसके बाद में 2.5 इंच हम चौड़ाई लगाएंगे और 6 इंच हम लंबाई लगाएंगे गले की। नीचे की साइड में भी 2.5 इंच लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बनने के बाद में हम गले की शेप दे देंगे। ये मेरी गले की शेप हो गई है। अब हम पेपर पैटर्न को इस तरह से ही रखेंगे और जो टक्स है हमारे उसके हम निशान यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। ये किस तरह से लिए जाते हैं वो मैंने पेपर कटिंग के वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। 10.5 इंच पे मेरा पॉइंट था और ये इस तरह से मेरे दांत आ जाएंगे। आपको 2 इंच तक या 1.25 इंच तक दोनों दांतों में अंतर आपको रखना है। अभी आगे का पार्ट भी हो गया, अब इसे पहले कट कर लेंगे। देखिए, अगर आप इस मेथड से कट करोगे तो यहाँ पे जो कपड़ा है वो बच जाता है। मैं यहाँ पे डिक में कट कर रही हूँ जो चौड़ा वाला है। देखिए, अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम पट्टियाँ वगैरह निकाल सकते हैं। बार होल कट कर लेंगे हम। ये मेरा फ्रंट पीस कट गया है, मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। अब ये बैक का आर्म होल कट कर लेंगे और ये बैक का आर्म होल भी कट चुका है। अब देखिए, यहाँ पे बेल्ट निकालूंगी तो इसको 2 फोल्ड में फोल्ड किया इस तरह से और इसको इस तरह से डाल दिया।
ये 4 फोल्ड हो गया है यहाँ पे। अब ये लूंगी मैं बेल्ट अपना और यहाँ पे अब निशान बना लेंगे इस तरह से। अगर आपको सिलाई में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है और आप नए सीखने वाले हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो यहाँ पे मार्जिन का। इसे कट कर लेंगे। अब देखिए ये 2 बेल्ट हो चुकी हैं, ये डबल कपड़े में है मेरी 2 बेल्ट भी, तो इस तरह से दोनों साइड की बेल्ट हो चुकी है अब मेरी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े को मैंने 2 फोल्ड किया, उसके बाद में 4 फोल्ड किया। अब नीचे की साइड में जो कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारा उसे सीधा करेंगे पहले, और जो हमारी स्लीव्स की कटिंग है पेपर कटिंग उसको इस तरह से रखेंगे और निशान बनाएंगे। देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देती हूँ। तो हमने स्लीव्स की लंबाई 4 इंच रखी है, तो उसमें हमने 2 इंच ऐड किया है ऊपर की, और नीचे की साइड में फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी हाथों की मोरी है 6 इंच, मतलब 12 इंच थी, तो उसका हाफ 6 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन है। इसे कट करेंगे हम। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स कट हो चुकी है। अब हम फ्रंट का जो शेप है हमारी स्लीव्स का वो यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारा सेंटर है, यहाँ से हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये मैंने शेप दे दिया। अब सेंटर का निशान भी मैंने बना लिया है। और ये बचे हुए कपड़ों में अब मैं पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। तो हमें हुक और आई के लिए 2 पट्टियाँ लगेंगी, और पीछे की साइड में पट्टियाँ लगेंगी, और गले के लिए लगेंगी। तो ये मेरी हुक और आई की पट्टी हो चुकी है यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले मैं ओरिया पट्टी में गले की पट्टियाँ कट कर लूँगी। हमारा गला थोड़ा डीप है तो पट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा लगेंगी, तो इस तरह से 4-5 पट्टियाँ मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो ये गले की पट्टियाँ कट हो चुकी है मेरी। और बचे हुए कपड़े में आप कमर पट्टी निकालेंगे। तो 1 पट्टी हो गई अब मेरी। तो दूसरी भी हो गई। इस तरह से पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट का पीस लिया है, और जो आगे में डाच है वो पीछे वाले कपड़े में भी इस तरह से कर लेंगे। जो सेंटर का निशान है हमारे पॉइंट का वो भी हमने यहाँ पे कर लिया है, और इस तरह से हमें डाच का निशान बना लेना है यहाँ से। यहाँ पे 1/2 इंच दबाएंगे हम, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, 1/2 इंच से भी कम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1.5 इंच हमें यहाँ पे करना है, तो 1/4 इंच हमें साइडों से लेना है। तो ये इस तरह से यहाँ पे एक दाज बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, तो ये इस तरह से जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम जो सेंटर का है उसको कर लेंगे। तो इस तरह से पकड़ा, निशानों को देख लेंगे। यहाँ से हमें यहाँ तक करना है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, थोड़ा बीच में आएंगे और फिर से यहाँ से निकाल देंगे सिलाई को। ये आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये डाज बन जाता है। इसे थोड़ा सा नाखून से दबा लेंगे हम। अब यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो बीच का सेंटर उसे कट करेंगे हम। ये इसलिए किया मैंने, पहले भी मैं कर सकती थी कट,
बट ये दाज है हमारा जो ऊपर नीचे सिलने के बाद में हो जाता है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो एक जैसा आएगा। अब देखिए मैं बाकी के भी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें 5 इंच करना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल पॉइंट पे लगानी है सिलाई को। बिल्कुल आप चाहे तो बिल्कुल 2-3 पॉइंट की सिलाई लगानी है। यहाँ पे निकाल देंगे इस तरह से। अब ये जो डाच है हमारा, इसको बराबर से नाप के आपको लगाना है, क्योंकि ये मेजरमेंट का है होता है। तो देखिए मेरे फ्रेंड का एक पीस इस तरह से कुछ बन चुका है और यहाँ पे बहुत अच्छे से पॉप आ चुका है और ये पहनने के बाद में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम हमारी जो बेल्ट है वो अटैच करेंगे नीचे की साइड में। तो देखिए जो ये जो बड़ी बाजू बाजू होती है, देखिए यहाँ पे ये इस तरह का कर्व होता है, तो कर्व की साइड हमें अपने गले की साइड में देखनी देनी है इस तरह से। देखिए मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको देनी है। तो आप इस तरह से रखेंगे बेल को, मैंने इस तरह से रखा और ये कपड़ा ऊपर से उल्टा रखा उस पर, और यहाँ से देखिए इतनी सिलाई हमें दबानी है जितनी आपने, अगर आपने एक्स्ट्रा ज़्यादा ली होगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा दबा सकते हैं। और ये जो डाच है हमारा उसको इस तरह से देना है आपको, ठीक है, इस तरह से आगे की साइड में मोड़ना है और सिलाई को इस तरह से लगा दी। आप यहाँ पे डबल सिलाई कीजिए, मैंने यहाँ पे सिंगल सिलाई दिखाई है, और एक्स्ट्रा का कपड़ा हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और अगर आपको लगे यहाँ पे भी कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे भी थोड़ा सा कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा कर लिया है। तो इस तरह से ये फ्रंट का एक पीस बन जाएगा। अब दूसरे को भी बनाते हैं। तो देखिए ये कपड़े को मैंने सीधा रखा और उस पर बेल्ट इस तरह से जॉइन किया। अब सिलाई लगाएंगे। ये जो डांच है हमारा, बस उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और वो उस साइड में ही आना चाहिए। एक्स्ट्रा का कपड़ा अब हम कट कर लेंगे। इस साइड में भी कुछ एक्स्ट्रा का होगा तो वो भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट के दोनों पार्ट हमारे इस तरह से लग चुका है हमारा बेल्ट। अब हम बैक की साइड उठाएंगे, तो सबसे पहले इसको टक्स दे देंगे। तो देखिए अब यहाँ से बंद बाजू से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच पे रखेंगे, तो बन के 4 इंच आ जाएगा। उसको इस तरह से रखेंगे और आधा आधा इंच साइडों से दबाएंगे, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया होता है पीछे के पार्ट में, तो इस तरह से आधा आधा इंच हमें इस पर करना है। अब निशान नीचे की साइड में भी उठाएंगे और इस तरह से इसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों डाच दे दिए हैं। अब हम नीचे की साइड में पट्टी लगाएंगे। तो जो पीछे का पार्ट होता है हर एक ब्लाउज में, पीछे का जो पार्ट होता है वो एक जैसा ही होता है। पट्टी को जॉइन करेंगे हम, उसमें कोई अलग सा नहीं होता है, इसलिए पीछे का पार्ट हर एक ब्लाउज में एक जैसा ही बनेगा। बस आगे के जो पार्ट होते हैं वो बस थोड़ा चेंज हो जाते हैं।
एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करेंगे पट्टी का, उसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। अब पट्टी पे दाब सिलाई लगाएंगे हम। ये सिलाई इसलिए ली जाती है क्योंकि हमारी पट्टी अच्छे से बैठ जाए और मजबूत भी बन जाती है। अब इसे पलटी करके इस तरह से यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। तो ये मोटी सिलाई आप यहाँ पे लगाइए क्योंकि ये सिलाई हमें बाद में खोल के इस पर हाथ तुरपाई करनी होती है। तो देखिए इस तरह से ये मोटी सिलाई आप यहाँ पे लगाइए। देखिए इस तरह से मेला नीचे की साइड में भी लग चुका है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये पीछे का पार्ट मैंने सीधा रखा है, उस पर ये पार्ट उल्टा रखा। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि गले की साइड में गला आना चाहिए, आर्म होल की साइड में आर्म होल आना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा जोड़ देते हैं कभी कभी, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये शोल्डर मेरा एक अटैच हो चुका है, अब दूसरों को भी इस तरह से अटैच करूंगी मैं। तो देखिए ये इस तरह से अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे मैं हुक पट्टी लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा का कपड़ा छोड़ा है। देखिए आपको मार्जिन का यहाँ पे ध्यान रख, देखिए जो मार्जिन होगी हमारी बेल्ट की वो नीचे की साइड में ही रहेगी। इसे ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और इस तरह से ये पट्टी को अटैच करेंगे हम। इस पे भी एक दाब सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। देखिए इसको इस तरह से मैंने यहाँ पे फोल्ड किया, उल्टी साइड में दिखा रही हूँ। इसको एक फोल्ड किया, उसके बाद में इसको इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है। अब बिल्कुल पट्टी के किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। और जो एक्स्ट्रा की जो पट्टी है हमारी उसे अब हम कट करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से ये पट्टी लग चुकी है। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। तो अब पट्टी को हम नीचे की साइड में रखेंगे और जोड़ने के लिए बस आपको मार्जिन का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो नीचे की साइड में रहनी चाहिए। यहाँ पे भी थोड़ी पट्टी एक्स्ट्रा कट करेंगे हम। देखिए अब इस तरह से ये फोल्ड किया इस तरह से। और ये जो सिलाई है हमारी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, ये सिलाई पे हमें वो फोल्ड आना चाहिए हमारा, क्योंकि वो बड़ी हुई पट्टी लगेगी यहाँ पे इस तरह से। कभी भी आई पट्टी हम बढ़ के लगाते हैं तो इसीलिए इस तरह से ही लगेगी। अब हम सिलाई लगाएंगे इस पे। और एक्स्ट्रा की पट्टी कट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको रीज़न बताने वाली हूँ कि लेफ्ट साइड में ही क्यों हुक पट्टी लगती है और राइट साइड में क्यों आई पट्टी लगती है। तो वो इसलिए लगती है क्योंकि देखिए ये इस तरह से लगेगी, ये फोल्ड हुई हुई है और एक्स्ट्रा निकली हुई है। तो ये इस तरह से रखने के बाद में जो गला है हमारा हुक पट्टी वाला वो थोड़ा खींचा खींचा सा रहता है,
और आई पट्टी वाला अच्छे से बैठ जाता है, और जो पल्लू होता है हमारा वो राइट से लेके लेफ्ट पर जाता है, तो लेफ्ट का जो गला दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए हुक वाली पट्टी कभी भी आप लेफ्ट पे लगाइए और राइट पल्ली पट्टी आप कभी भी आई वाली लगाइए। तो देखिए यहाँ पे मेरी दोनों पट्टी अटैच हो चुकी है और ये इस तरह से मैंने रख लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको उल्टा सीधा देख के यहाँ पे फोल्ड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं या फिर तो सिलाई भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और आप उतना ही दबाइए जितना आपने मार्जिन दिया हुआ है। तो ज़्यादा कम दबाएंगे तो स्लीव्स की लेंथ भी ज़्यादा कम हो सकती है। तो ये मैंने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स को लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, देखिए ब्लाउज को इस तरह से लिया मैंने। अब सबसे पहले हम आर्म होल देख लेंगे, जो हमारा कम ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि वो स्लीव लगाने से पहले ही देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए ये इस तरह से दिख रखा मैंने यहाँ पे। पीछे वाला पार्ट इस तरह से, तीन पार्ट एक जैसे रहेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी वाला पार्ट है वो बस हम आगे की तरफ छोड़ देंगे। इसको बराबर से हमें यहाँ पे रखना है और देख लेना है हमारा आर्म होल कम ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, जिसके कंधे ऊपर होते हैं, मतलब किसी किसी के कंधे ऊपर होते हैं, उसी के लिए ही आप यहाँ पे डाउन कीजिएगा ब्लाउज कट करते हुए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सीधा ही रखिएगा, ठीक है, आपको डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेंगे हम हमारा आर्म होल ठीक आ रहा है कि नहीं। तो देखिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट है मेरा वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है यहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे करके, यहाँ पे, ठीक है, ये कम ज़्यादा सिलाई में आने की वजह से भी हो सकता है। तो हम पीछे का जो जितना हमारा है उसको नाप लेंगे, तो या 8 इंच है। तो अब आगे की साइड में ये अच्छे से रखेंगे हम। और यहाँ से 8 इंच पे एक निशान को लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे निशान। अब इसे कट करेंगे हम। अब ये आर्म होल हो चुका है हमारा। अब देखिए स्लीव्स को अटैच करेंगे, तो आपको फ्रंट वाले साइड में ही रखना है और बैक वाला साइड बैक वाले साइड में ही रखना है। आपको ये उल्टा कभी नहीं करना है। और ये जो मार्जिन है कभी भी कंधों की, वो आपको पीछे की साइड में ही रखनी है। देखिए ये मैं यहाँ पे अब हाफ स्टिच कर लूँगी स्लीव्स को। पहले मैं आधा ज्वाइन करती हूँ, फिर उसके बाद में ही करती हूँ आधा, क्योंकि इस मेथड से अगर हमारी स्लीव्स अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो दोनों तरफ से वो निकल आती है। इसलिए मैं इसी मेथड का यूज़ करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बचा है, बराबर ही लग गई है। अब हाफ स्टिच करूँगी मैं यहाँ से। आपको यहाँ पे स्लीव्स भी नहीं खींचनी है और आर्म होल भी नहीं, बस आपको शेप के अकॉर्डिंगली ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे बच गया है, तो मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मेरी एक स्लीव अटैच हो चुकी है। अब इसी तरह से दूसरी भी कर लूँगी मैं। तो दोनों स्लीव्स मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं सेंटर का निशान लगाऊँगी। तो सेंटर का निशान लगाने के बाद में इसको इस तरह से रखेंगे और देख लेंगे पहले कि कपड़ा कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है मेरा। तो यहाँ पे मेरा कोई कपड़ा कम ज़्यादा नहीं है। अगर आपका निकलता है तो आप थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये मैंने बिल्कुल फिक्स रखा था। अब ये बड़की पट्टी है तो इसको इस तरह से
उस साइड में छोड़ देंगे और यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे थोड़ा कपड़ा बच रहा है, वो जो सिर्फ पीछे की साइड में है, तो हम इसको एक साइड से नहीं कट करेंगे। अब ये पीछे के जो पार्ट है उसको एक दूसरे को इस तरह से मिलाएंगे हम, और जितना कपड़ा हमारा बच रहा था उसके हाफ हम यहाँ पे कट करेंगे ताकि वो दोनों साइड से बराबर से कट जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है, अगर एक साइड से आप कट कर देते तो एक साइड से कम हो जाता कपड़ा, फिटिंग अच्छी नहीं बैठती, तो इसलिए मैंने इस तरह से मेथड से किया। तो दोनों साइड से मेरा कपड़ा ठीक से बैठ गया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं निकल रहा। अगर आपका थोड़ा निकला तो आप कट कर लीजिए, देखिए बराबर से बैठ रहा है हमारा। अब हम सबसे पहले गले को देख लेंगे, गले का कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको पास से दिखा रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा मेरा वो पट्टियों की वजह से कम ज़्यादा है, तो मैं बस देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही कपड़ा है तो वो मैंने बराबर से कर लिया है। अब हम इसको गले की पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए ये पट्टी ली हुई है मैंने, इसको जॉइन करेंगे हम। जॉइन करने के बाद में जॉइन को इस तरह से खोल देंगे और नाखून से इस तरह से इसको प्रेस करेंगे, जहाँ पे भी जॉइन होगा बस इसी तरह से करेंगे। इसको सीधा करेंगे पहले, उसको उल्टी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, उल्टी साइड बीच में आनी चाहिए, और इसको इस तरह से पट्टी कट कर लेंगे हम, ये एक जैसी आनी चाहिए पट्टी। अब इसको लगाना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको गला बिल्कुल खींचना नहीं है और यहाँ पे आपको एक जैसी सिलाई लगानी है। पट्टी थोड़ा सा आप खींच सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, या तो फिर गले की शेप अच्छी नहीं बनेगी आपकी। देखिए मैंने किस तरह से बनाई है, और ये जो है जो जॉइंट है हमारे उसको इस तरह से ही खोल के हमें यहाँ पे जॉइन करने हैं। अब हम सिलाई लगाते जाएंगे, आपको जॉइन को इस तरह से खोल के ही लगाना है। एक दूसरे पे लगाओगे तो जब हम यहाँ पे पाइपिंग निकालेंगे तो वो बिल्कुल मोटी मोटी सी आएगी उस वहाँ पे जहाँ पे जॉइंट है, इसलिए आपको वो जॉइन खोल के ही लगानी है आपको सिलाई। मार्जिन आपको पीछे की साइड में ही रखनी है। और गले को यहाँ बिल्कुल खींचना नहीं है हमें, आप चाहे तो थोड़ा सीधी सीधा करके आप सिलाई को लगा दीजिए, बट खींचिएगा नहीं आप गले को, पट्टी को थोड़ा सा खींच सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कट करके ये इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई को लगा देंगे, इस तरह से सिलाई को मैंने लगा दिया है। अब देखिए ये जो यहाँ पे हमने जॉइंट लगाया था वहाँ वहाँ से कपड़ा थोड़ा सा निकल के आया है, तो सबसे पहले हम इसे एक जैसा करेंगे ताकि हमारी पाइपिंग बहुत अच्छे से निकल आए। देखिए इस तरह से जो कपड़ा एक्स्ट्रा का है बस उसे काटिए हम, तो ये मैंने सीधा कर लिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये पाइपिंग बनेगी। तो ये जो मार्जिन है हमारी वो पट्टी की साइड में रहनी चाहिए और उसके ऊपर से इस तरह से आपको फोल्ड करना है। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, इस तरह से आपको फोल्ड करना है, ये इस तरह से पाइपिंग बन के आएगी और बिल्कुल इसके बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है।
जितनी अच्छी आपकी पाइपिंग बनेगी उतना ही अच्छा आपका ब्लाउज दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने मार्जिन को पकड़ा और उसके ऊपर से ये कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया, और सिलाई को बिल्कुल आपको बीचों बीच ही लगानी है, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। अगर आप पाइपिंग पे सिलाई की चला दोगे तो देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से मेरी पाइपिंग बनी हुई है। देखिए यहाँ पे आप गुलाई है, तो बहुत लोगों का होता है कि गुलाई पे हम पाइपिंग कैसे बनाएं, तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ गुलाई पे बना के भी। देखिए अब अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको मेंटेन करना है डिस्टेंस। अगर आप बहुत दूर पकड़ोगे तो पाइपिंग गलत हो जाएगी, आपको थोड़े थोड़े ही इस पर करना है। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे तो पाइपिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी, और जो नए सीखने वाले हैं उन्हें बिल्कुल धीरे धीरे पाइपिंग करनी होगी, क्योंकि ये जितना आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी पाइपिंग आपकी। देखिए अब मैं थोड़ा और सिल लेती हूँ गले को ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, क्योंकि ये डीप नेक है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मेरे गले का शेप बहुत अच्छा आया है और पाइपिंग बिल्कुल मेरी एक जैसी है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पास से, बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग मेरी निकली हुई है यहाँ पे, और गले का शेप भी मेरा बहुत अच्छे से आया है। तो आप यही मेथड अगर यूज़ करोगे तो आपकी पाइपिंग भी इसी तरह से आएगी। देखिए मेरी पाइपिंग अब लग के पूरी हो चुकी है और ये बहुत सुंदर लग रही है। अब बस इसकी फिटिंग बाकी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो मार्जिन है हमारी स्लीव्स की उसको आपको आगे की साइड में ही रखना है, मतलब ऊपर की साइड में रखना है स्टिच करते हुए, ठीक है। इससे ब्लाउज की फिटिंग में बहुत ज़्यादा असर होता है, फिटिंग बहुत अच्छे से बैठ जाती है। मैंने सिलाई को लगा दिया, अब ये ऊपर की साइड में रखा, और ये जो बेल की मार्जिन है वो आपको नीचे की साइड में रखनी है। ये दो टिप्स आपको बहुत ध्यान रखना है फिटिंग करते वक्त। तो इस तरह से सिलाई लगा दी है मैंने यहाँ पे, अब इसको उल्टा कर लेंगे हम। उल्टा करने के बाद में हम यहाँ पे हमारी चेस्ट का फोर्थ यहाँ पे लगाएंगे, तो चेस्ट ही मेरी 34, उसका फोर्थ हो जाएगा 8.5 इंच, और कमर का भी यहाँ पे फोर्थ ले लेंगे तो हो जाएगा 7.75 इंच। तो देखिए मैंने इस तरह से लगाया, और यहाँ पे मेरी हाथों की मोरी है 12 इंच, उसका हो गया 6 इंच। तो देखिए बहुत लोगों का कहना होता है कि हमारी जो ये है वो सीधी नहीं आती, तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो बिल्कुल आपकी जो लाइन है आपकी फिटिंग की लाइन है वो पूरी तरह से सीधी ही आएगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल मेरी सीधी आई हुई है। अब इस साइड में भी मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ, जो एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे छोड़ देंगे, उसका फोर्थ यहाँ पे लगाएंगे 8.5 इंच, उसके बाद में यहाँ पे कमर का फोर्थ लगाएंगे जो हो जाएगा 7.75 इंच। 29 कमर है मेरी, और मोहरी को 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे भी निशान लगा रही हूँ इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई है। अब हम स्टिच करेंगे यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे जो मतलब ये जो सिलाइयाँ हैं हमारी जो कपड़ा है, बस आपको उसको ध्यान रखना है कि वो ऊपर की साइड में रहे, और जो बेल्ट वाली है मार्जिन वो नीचे की साइड में रहे। तो एक साइड से फिटिंग हो चुकी है, एक साइड के ढाई वगैरह कट करेंगे और दूसरी साइड की भी फिटिंग लगाएंगे हम।
मार्जिन को नीचे रखेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ब्लाउज को सीधा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए ये सीधा रखने के बाद में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये फ्रंट वाला साइड है और इसको बैक वाला साइड है। गला भी बहुत सुंदर से बना है हमारा और ये बेल्ट वाला ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बन चुका है।